कोई बात नहीं, दो कपड़े लाते हैं फिर जल्दी कर दीजिए। उसने आके पुरानी दुश्मनी के चक्कर से पेट्रोल छिड़क दे, उसके बाद हम मेरे घर वालों ने उसका पकड़ने की कोशिश करी, उनको गले में पकड़ के मार के उनके लिए आग लगा के भाग गए। दो जने मोड़े बैठाड़े हुए, उनने किसी को निकलने ना दिया बाहर के लिए। तो क्या रंजिश थी उनका? अब वो तो नहीं पता क्या बात है, क्या ना पुरानी दुश्मनी की वजह से करा है उनने। घर में घुस के पेट्रोल? हाँ, घर में एक जना घुसा था और बाहर दो जने थे ठाड़े हुए मोड़े पर। कैसे झुलसे गए बच्चे आपके? ये साहब जो है पहले जो है 4 महीने पहले जो है इनसे दारू पी के जो है गाली गलौज करी, फिर गाली गलौज करने के बाद गांव वालों ने मोहल्ला वालों ने जो मतलब शांति कर दी, फिर जो है इन्होंने जो मौका देखा तो बच्चे जो घर में देख लिए अकेले, तो इन्होंने जो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। कौन लोग हैं जिनने आग लगाई? जो लालू। कितने बच्चे घायल हैं? 4 बच्चे हैं, एक भैंस है। ये बताना है दोनों ही दलित परिवार के एक ही परिवार के लोग हैं, जो आरोपी है और जिसके बच्चे जले हैं, कोई दबंग उनमें नहीं है। और देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो अपने बच्चा है करीब 17-18 साल का, वो एक बोतल से पेट्रोल निकाल करके मोटरसाइकिल में डालने के लिए निकाल रहा था, अंधेरा था। ये लालू उसी का जो रिश्तेदार है, लालू वहाँ पर आया जिस पर ये आरोप लगा रहे हैं। उसने अंधेरा होने के कारण उससे कहा कि माचिस जला दो, उजाला कर दो। उसने माचिस जलाया, पेट्रोल वहाँ पर फैला हुआ था, उसने आग पकड़ ली। पेट्रोल की बोतल गिरने से जो घर के अंदर ही खड़े हुए 4 बच्चे थे वो इंजर्ड हुए हैं, वो थोड़ा सा झुलस गए हैं। इलाज के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे PHC में, PHC से उनको रेफ़र कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, से उनका इलाज चल रहा है। उनके द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है आरोप के संबंध में।